जय श्री सीताराम। कई सारे लोग उत्सुकता में, लेकिन कई सारे ऐसे लोग जो कि हमारे सनातन धर्म को पसंद नहीं करते हैं, ज्योतिष शास्त्र को पसंद नहीं करते हैं, वो टॉन्ट में ऐसे कमेंट कई बार कर देते हैं या फिर पूछते हैं कि राम और रावण इनकी राशि एक, कृष्ण और कंस इनकी राशि एक, क क र र आर आर, उसके बावजूद भी इन लोग के कर्म बिल्कुल अलग अलग, कृत्य बिल्कुल अलग अलग, ऐसा कैसे हो सकता है भैया? तो मैं उन सबको जो टॉन्ट में पूछते हैं वो भी सुन ले भले ही, लेकिन जो उत्सुकता में पूछते हैं उन सबको ये जवाब देना चाहता हूं कि सबसे पहले नंबर पर तो ज्योतिष को थोड़ा और अच्छे से सीखने की भी जरूरत है। थोड़ा अच्छे से ज्योतिष को सीखिए। और एक बहुत मशहूर पंक्ति है, बहुत मशहूर लाइन है, नाम में क्या रखा है, नाम गुम जाएगा। वैदिक ज्योतिष में ये लाइन बिल्कुल बिल्कुल फिट बैठती है। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल एप्लीकेशंस हर मोबाइल फोन में होती है, तो एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशंस भी होंगी। कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन डालिए, उसमें एक लिखिए, नाम में लिखिए एक्स और आपका बर्थ डिटेल पूरा डाल दीजिए। फिर दूसरी दूसरी डिटेल ओपन करिए, उसमें वाई लिखिए और उसमें भी आपका डिटेल डालिए। फिर जेड लिखिए, फिर उसमें भी आपका डिटेल डालिए। तीन कुंडलियां बनाइए, तीनों के तीनों आपको सेम मिलेगी, बिल्कुल सेम टू सेम, एक भी चीज उसमें अलग नहीं रहेगी। जबकि नाम तो एक्स था, एक का वाई था, एक का जेड था, या राम लखन कुछ भी डाल दीजिए। तो जो वैदिक ज्योतिष में नाम में कुछ भी नहीं रखा है, और जब नाम में कुछ नहीं रखा है तो आपकी गणनाएं, आपकी कुंडली में बनने वाले योग, आपको कौन सी दशाएं चल रही हैं, किस ग्रह का राहु का प्रभाव है लगने पर या गुरु महाराज का प्रभाव है लगने पर, और भी बहुत सारी बातें, ये ज्यादा मायने रखती है, ना कि आपकी नाम राशि क्या है, ये ज्यादा मायने। मैं हमेशा इस बात का विरोध करता है। कई सारे लोग कहते हैं सर नाम राशि से राशिफल है क्या? नहीं, चंद्र राशि या लग्न राशि, इनसे राशिफल होने चाहिए। मुख्यतः ये दो ही राशियां होती हैं जिनसे राशिफल होने चाहिए, और शास्त्रोक्त चंद्र राशि से सबसे पहले नंबर पर। तो देखिए, नाम आपका कुछ भी हो, एक ही नाम के दो जन जो हैं, हो सकता है गौरव एक एस्ट्रोलॉजर भी है, हो सकता है गौरव नाम का कोई एक ऐसा व्यक्ति भी आपको मिले जो बहुत शराब पीता है। हाँ, हो सकता है ना, सब कुछ पॉसिबल है। गौरव नाम का एक व्यक्ति आपको मिले जो बिल्कुल ऋषि मुनि जैसा अपना जीवन जी रहा है, एक ऐसा मिले बिल्कुल अय्याशी कर रहा है। तो मेरी बात को आप ध्यान रखिए और बिल्कुल नोट कर लीजिए कि वैदिक ज्योतिष में नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम राशि कुछ नहीं होती। हाँ, एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कई बार शादियां निकलती है तो शादियों में कहते हैं कि भाई इस नाम से शादी नहीं निकल रही तो नाम चेंज कर लो, बेवकूफी है कि केवल चंद्र राशि के आधार पर ना, मेरा मतलब नाम राशि के आधार पर नाम चेंज कर लेना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो नाम चेंज करके शादी निकाल लेना, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं शादीशुदा लाइफ में। कुंडली मिलाने दी नहीं होगा तो, हाँ मैं हमेशा कहता हूं कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई भी नाम। तो मेरी बात आप ये मानिए कि नाम में कुछ नहीं रखा है। हाँ, एक होता है न्यूमरोलॉजी, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ, न्यूमरोलॉजी को फॉलो नहीं करता हूँ। एक होता है न्यूमरोलॉजी जिसमें अंकों के आधार पर आपको नाम सजेस्ट किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ये सोचिए ना कि नाम सजेस्ट भी कर रहे हैं तो भी जीवन तो अलग अलग है ना लोगों का। हाँ ठीक है, आपको अच्छा नाम सजेस्ट किया, आपको सुगमता आ सकती है अपने जीवन में, लेकिन जीवन किसी के जैसा थोड़े हो जाएगा। कुंडली पर ही तो जीवन चलेगा, आपके ग्रह नक्षत्रों पर तो जीवन चलेगा, सुगमता हो जाएगी। भाई कुंडली ने कहा कि आप जो हैं वो 5 किलोमीटर दूर जाएंगे, और आपसे कहा कि 5 किलोमीटर दूर जब जाएंगे तब बारिश होगी। भाई आपकी किस्मत में कुंडली ने ये कहा, तो हो सकता है आपने नाम चेंज कर लिया तो 5 किलोमीटर दूर तक तो आप गए लेकिन कम बारिश हुई, या फिर छाता लगा करके आप चल रहे हैं।
तो जो कहा है वो होगा, लेकिन परेशानियां कम हो सकती है न्यूमरोलॉजी के आधार पर नाम चेंज करने से। मैं नाम चेंज नहीं करता हूं, जस्ट आपको बता रहा हूं, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता था। तो भैया नाम में कुछ नहीं रखा है, कुंडली होती है, जन्म पत्रिका मुख्य होती है, जन्म कुंडली मुख्य होती है, और उसके आधार पर ही सारी चीजें जो है वो घटती है। हाँ, उपाय किए जाते हैं, या जैसे मैंने कहा ना, नाम चेंज कर लेना या किसी प्रकार से कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर लेना, तो वो उपाय होते हैं। उपायों के माध्यम से चीजें सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है। वास्तु ना के कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लेना, ये उपाय होते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मेरी बात आप सभी तक पहुंची है, और पहुंची है तो आप जो है वो बता सकते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से और लाइक के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।